ऑडिबल? यस सर। ओके ओके यार, एक दो मिनट और वेट कर लेता है ना, कुछ लोग शायद और ज्वाइन करें, देन हम इसे कंटिन्यू करते हैं वेबिनार को। तो हम 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, देन इसे कंटिन्यू करते हैं। हेलो हेलो एवरीबॉडी। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वेबिनार को। जिन लोगों ने ज्वाइन करना था, आई थिंक सब लोग कर चुके हैं, और चलिए अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है इस वेबिनार के अंदर, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोगों को जो भी सवाल मेरे से पूछने हैं तो अनम्यूट करके आप लोग पूछ सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी हो उस चीज़ के रिगार्डिंग, या जो भी आपने बात करना हो, या नेटवर्किंग के रिगार्डिंग, या जो भी आप करना, जो भी बात करना चाहते हो, तो आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब मैं अपना टॉपिक, मैं आप लोगों से पहले पूछ लेता हूँ कि कोई भी कुछ जानना चाहता है, कुछ क्वेरी हो आप लोगों की, तो ये वेबिनार स्टार्ट करने से पहले, तो आप लोग मेरे से जानना चाहें तो जान सकते हैं, और नहीं किसी को कुछ क्वेरी है तो चलिए हम अब इसे स्टार्ट करते हैं। और जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो ये टॉपिक हमारा है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसे मान लो कोई भी, जस्ट ए सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई भी काम हम करने जा रहे हैं, या एक मकान भी हम बना रहे हैं, तो उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें उसके अंदर यूज़ होती हैं, और कैसे एक मतलब मकान जो हमने बना रहे हैं वो कैसे बन के रेडी होता है। तो वो सारी चीज़ें, आप देखो हम नेटवर्क के ऊपर बात करें तो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जस्ट ए एग्जाम्पल की मान लो मैं जूम के ऊपर आपके लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, राइट? तो मेरा कम्युनिकेशन यहाँ पे किस तरीके से कनेक्ट कर पा रहा है, इसके पीछे का एल्गोरिथम क्या है, क्या जैसे मान लो कि मैं गूगल क्रोम के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ भी सर्च किया, तो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एज इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि एटलीस्ट ये वर्क कैसे कर रहा है। मान लो मैं यहाँ पे कुछ व्हाट इज सबनेटिंग क्रोम, मान लो मैं सब सर्च कर देता हूँ, तो अब मेरे सामने गूगल के ऊपर ये पेज ओपन हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो पेज ओपन हो रहा है, तो इसके पीछे का एल्गोरिथम क्या है, इसका बैकग्राउंड प्रोसेस क्या, कौन कौन से टेक्निक यूज इसके अंदर काम कर रहे हैं, या मान लो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर मैं कॉल करता हूँ तो मेरा एटलीस्ट वहाँ पे कॉल लग कैसे रहा है। तो ये सारी चीज हम बात करेंगे एज ए नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और कैसे डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है, और नेटवर्किंग के अंदर क्या क्या चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। और हम देखते हैं कि भाई मान लो इंडिया से कॉल करता हूँ यूएसए के, मतलब मेरा कोई दोस्त मान लो यूएसए में रहता है, तो मैं उससे बात करना चाहता हूँ, तो एक्चुअली मेरा कनेक्शन वहाँ पे से मतलब कनेक्शन बन जाता है, तो वहाँ पे मेरा कनेक्शन किस तरीके से बन रहा है, ये कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। कोई भी चीज़ मान लो आप YouTube के ऊपर कोई वीडियो देख रहे हो, तो मैंने YouTube के ऊपर सर्च किया, कोई भी आप कुछ भी चीज़ सर्च करते हो,
तो जैसे मान लो हमारा YouTube के ऊपर एक चैनल है क्रो नेटवर्किंग नाम से, मान लो मैं उसको सर्च कर रहा हूँ या आप लोग उसे सर्च कर रहे हो, तो आपके सामने वो वीडियो पहुंच पा रहा है और आप लोग उस वीडियो को देख पा रहे हो। तो वो जो प्रोसेस है कि किस तरीके से वर्क हुआ, कैसे नेटवर्क वहाँ पे प्रोसेस कर रहा है, कैसे चीजें काम कर रही हैं, तो ये सारी चीजें कैसे नेटवर्क के ऊपर कंडक्ट की जाती हैं, किस तरीके की टेक्नोलॉजी या कैसे प्रोसेस उनके अंदर होता है, तो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब मैं नॉर्मली आप लोगों को जैसे मान लो जस्ट एग्जांपल हम यहाँ पे बात करते हैं कि इंडिया टू यूएसए मुझे कनेक्ट करना है, मतलब किसी भी कंट्री के अंदर मुझे कनेक्शन बनाना है या इंडिया टू इंडिया कनेक्शन बना हुआ है, तो एटलीस्ट वो कनेक्शन कैसे पॉसिबल हो पा रहा है ना। तो मान लो कि मैं इंडिया टू यूएसए से बात करता हूँ तो वहाँ पे कनेक्शन किस तरीके से होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा विदाउट वायर, जैसे मैं एक फोन से दूसरे फोन के ऊपर कॉल करता हूँ तो मेरा कनेक्शन एज ए हमें लगता है कि वो वायरलेस कनेक्शन है, लेकिन टोटली बेस्ड ऑन वायर के थ्रू हमारा काम वहाँ पे चलता है। तो सी केबल, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो कि सी केबल्स, अंडर सी केबल्स, हमारे समंदर के अंदर केबल्स बिछी होती हैं एज ए कंट्री टू कंट्री हमारा कनेक्शन यहाँ पे स्टेब्लिश करवाने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, ये केबल्स हैं ठीक है, जिनके अंदर एक वायर होता है जो हमारे डेटा को मतलब सेंड करने के, जो भी प्रोसेस हम करवाते हैं, जो भी कम्युनिकेशन वहाँ पे हमारा हो रहा है, तो एटलीस्ट हमारा कनेक्शन कुछ इस तरीके से स्टेब्लिश होता है नेटवर्क के ऊपर। मतलब नेटवर्क के अंदर हम बात करें नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कि भाई मैंने अपने सिस्टम को ऑन किया या अपना लैपटॉप या मोबाइल फोन जो भी मैं यूज कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर जो इंटरनेट चल रहा है, उसका इंटरनेट जो चल रहा है उसके पीछे क्या बैकग्राउंड प्रोसेस हो रहा है, तो कैसे चीजें वहाँ पे वर्क कर रही हैं ठीक है। तो मान लो जस्ट एग्जाम्पल मैं जियो की सिम यूज करता हूँ ठीक है, तो जैसे ही मान लो मैं कनेक्ट करता हूँ इंटरनेट के साथ या जियो की सिम मैं यूज करता हूँ, तो जियो के साथ मेरा कम्युनिकेशन किस तरीके से हो पा रहा है, तो वहाँ पे चीजें नेटवर्क के ऊपर कैसे चीजें काम करती हैं और कौन कौन सा इक्विपमेंट या क्या क्या चीजें टेक्नोलॉजीज किस तरीके से रन करती हैं, या जियो की सर्विस को मैं यूज करके कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करना चाहता हूँ, जी मेल, फेसबुक, इंस्टा या जो भी प्लेटफॉर्म मैं यूज कर रहा हूँ, तो वो चीजें कैसे वर्क करती हैं, कैसे मेरे सामने पेज ओपन होता है ठीक है। मान लो यूट्यूब के ऊपर मैं वीडियो देखता हूँ, तो भाई नॉर्मली मैं सर्च करता हूँ, भाई मैं वीडियो जो देखना चाहता हूँ, जो भी चैनल सर्च करना चाहता हूँ, तो नॉर्मली मैंने सर्च किया और वो चैनल यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होता है, देन मैं उसको देख पाता हूँ, लेकिन एक्चुअल में उस वहाँ पे नेटवर्क किस तरीके से वर्क कर रहा है, वो वीडियो कैसे आया मेरे सामने ठीक है। तो ये सारी चीजें नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं, चीजों को किस तरीके से कनेक्ट किया गया कि एक एक चीज, जैसे मतलब जो भी चीज आप सर्च करने जा रहे हो तो चीजें कैसे कनेक्ट है नेटवर्क के ऊपर, या मान लो एक पर्सन से मैं दूसरे पर्सन पे कॉल कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट मेरा जो कॉल लग रहा है वो लगा कैसे, उसके पीछे क्या चीज कैसी काम कर रही है, या किस तरीके से इन चीजों को कनेक्ट किया गया है कि मैं जिस पर्सन के पास या जिस वे के अंदर गूगल के ऊपर मान लो हजारों लाखों करोड़ों लोग एक ही चीज को सर्च कर रहे हैं, तो वो जो सर्च कर रहे हैं वो चीजें कैसे काम कर रही हैं, कि जो चीज मैंने सर्च किया वही एग्जैक्ट चीज मेरे सामने ओपन हो रही है, या अनदर पर्सन कोई अनदर चीज सर्च कर रहा है तो उसके सामने एग्जैक्ट वही चीज वहां पे सर्च हो रही है ठीक है। तो समझ में आ रहा है जो चीज मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं। ओके गाइस, हेलो। तो यार 3 लोग आप लोग हो तो एक बार अनम्यूट कर लो सब लोग। यस तो आपका क्या नाम है? सर माय नेम इज निहाल तिवारी। निहाल। यस ओके सर। ओके निहाल, तो आपका कोई भी फर्दर क्वेरी हो तो एक बार बोलना मेरे को किस चीज़ का रिगार्डिंग, है ना। तो मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ यहाँ पे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि जस्ट मान लो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं गूगल, तो इंटरनेट आता कहाँ से है ना, कैसे इंटरनेट वर्क कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं कि हमारा कम्युनिकेशन यहाँ पे किस तरीके से पॉसिबल हो पा रहा है। तो अब यहाँ पे मैं नोट पैड एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब वर्ड पैड एक बार मैंने ओपन किया और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि इंटरनेट किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, तो अब देखो मेरे पास मान लो कि एक पीसी है ठीक है, एक बीच में मैंने स्विच लगा रखा है ठीक है, एक स्विच है, स्विच एक डिवाइस होता है, और मैं अभी आपको सर्च करके दिखाता हूँ किस टाइप का डिवाइस होता है। नेटवर्किंग अंदर जो डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है एज ए नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए, जो ISPs यूज़ करती हैं, है ना, जो डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, और कौन कौन से डिवाइसेज होते हैं वो, राउटर, स्विचेज, फायरवॉल, फायर पावर, है ना। तो एक बार मैं स्विच आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, तो इस टाइप के स्विच की मैं बात कर रहा हूँ, एक स्विच इसको सर्च कर देता हूँ, तो ये स्विच की मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे पास नॉर्मली यूज में नहीं होते हैं, ये ISPs के पास यूज में आते हैं। ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट सर्विसेज जो हमें असाइन करती है, जैसे मान लो जो हमें प्रोवाइड करवाती है, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया,
जियो है, तो ये सारी क्या है ISPs हैं जो हमें इंटरनेट सर्विसेज देती हैं, तो वहाँ पे नेटवर्क ऑपरेट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। और ये जो डिवाइस है इसका यूज़ करते हैं दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कर, कि हम सेम नेटवर्क के डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, और राउटर जो होता है दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब तो मान लो कि अब जस्ट एग्जांपल कि आज हमारा इंटरनेट हमारे पास आ कहाँ से रहा है, कि ये आप लोगों ने देखा होगा भाई पर डे हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर 2 GB है ना, या 2.5 GB इंटरनेट सर्विस हमें मिलता है, या 1.5 GB इंटरनेट सर्विस मिलता है। तो ये इंटरनेट कहाँ से आ रहा है, मतलब हमारे पास ये एंड भी होता है भाई, 1.5 GB इंटरनेट सर्विस में यूज़ कर लेता हूँ तो एंड हो जाता है ना, कि ख़त्म हो जाता है, देन अगेन नेक्स्ट डे मुझे फिर दोबारा से वही उतना इंटरनेट में, जो मैं जितना प्लान मैंने ले रखा है उसके अकॉर्डिंग मुझे इंटरनेट सर्विस मिलती है। तो एटलीस्ट इंटरनेट बंद कैसे रहा है, कैसे काम कर रहा है इंटरनेट, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ। तो मान लो कि मैं आप लोगों से कनेक्ट कर रहा हूँ, या मैं अपने घर पे कॉल करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं किसका यूज़ करता हूँ, तो जस्ट एग्जाम्पल कि मान लो मैं अपने घर पे बात करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे हूँ दिल्ली, अभी मैं फिलहाल कहाँ पे हूँ, दिल्ली में, और मेरा घर जो है वो राजस्थान में, राजस्थान, तो मैं कॉल करना चाहता हूँ राजस्थान में, तो भाई अब मैं डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच नहीं सकता, मैं डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकता, तो मैंने बीच में हेल्प किसके लिए रखी है, जियो, मैं जियो की सर्विस को यूज़ करता हूँ। जियो क्या एक ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। अब मैं मेरा मोबाइल फ़ोन से मैं कॉल कर रहा हूँ अपने घर पे, तो मेरा कनेक्शन यहाँ पे किस तरीके से इस्टेब्लिश हुआ, तो ये कनेक्शन जो बन रहा है तो ये किस तरीके से कनेक्ट हो पा रहा है। तो मान लो आप कहते हो कि भाई मैं तो जियो सर्विस यूज़ नहीं करना चाहता, मैं तो डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मतलब मैं इस मोबाइल फ़ोन से कॉल करना चाहता हूँ डायरेक्ट इसी मोबाइल फ़ोन के ऊपर, मैं अपने घर पे जो कॉल कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहता हूँ, मैं किसी भी अनदर सर्विस को यूज़ नहीं करना चाहता, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मैं किसी सर्विस को यूज़ नहीं कर रहा, जियो या किसी भी ISP को मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो अपना खुद का प्राइवेट नेटवर्क मुझे इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, मतलब मेरा कनेक्शन वहाँ पे वायरलेस, भाई वायरलेस मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे वायरलेस टेक्नोलॉजीज डालनी पड़ेंगी, राइट, तो मुझे मतलब डायरेक्ट कनेक्शन मेरा वहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना नेटवर्क बिछाना पड़ेगा, तेन मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट। तो अब हर एक पर्सन, मान लो ये कहता कि मैं एक सिंगल पर्सन हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी से कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं किसी भी सर्विस को यूज़ नहीं करूंगा, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, या जितनी भी सर्विसेज हैं उनमें से मैं किसी को भी यूज़ नहीं करूंगा, मैं अपना प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करके मतलब खुद का नेटवर्क स्टेब्लिश करूंगा, देन मैं अपना करेक्ट कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करूंगा। तो हर एक पर्सन के लिए, मैं मेरा घर यहाँ से 150 किलोमीटर, तो मेरे लिए अब घर तक नेटवर्क बिछाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम आएगी भाई, केबल या वायरिंग उसको मेंटेन रखना, सारी चीज़ें मुझे खुद से मैनेज करनी पड़ेंगी, देन मैं वहाँ पे कम्युनिकेशन बना सकता हूँ, मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, तो ये और बहुत सारा इसमें कॉस्ट भी लगेगा। तो और अब ये काम इसको मेंटेन भी मुझे रखना पड़ेगा, इसमें कोई भी ट्रबल शूट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, तो सारी चीज़ें मुझे खुद को मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, तो ये प्रॉब्लम मेरे सामने ना आए, तो इसके लिए मैंने क्या किया, मतलब ये काम किसने कर रखा है, मैंने खुद से तो मतलब मैंने अपना नेटवर्क यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं कर रखा है, तो मैंने कनेक्ट किया जियो से। तो जियो क्या एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना नेटवर्क उसने फैलाया हुआ है, मतलब हम पूरे इंडिया के अंदर जियो चलता है, तो जियो ने अपना पूरा नेटवर्क कहाँ पे स्टैब्लिश कर रखा है, पूरे इंडिया में स्टैब्लिश कर रखा है। तो देन मैं अब ये काम जो कनेक्शन का है, जो मान लो मैंने केबल बिछा के मैं अपना पर्सनल नेटवर्क बनाने जा रहा था, तो इस मोबाइल फोन के ऊपर, मतलब ये जो मोबाइल फोन दिल्ली में रखा हुआ है, राजस्थान के मोबाइल फोन के ऊपर मैं कॉल कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे कनेक्शन में अपना प्राइवेट नेटवर्क ना बिछा के जियो सर्विस को यूज कर रहा हूँ, और जियो ने हर जगह इन सबको कनेक्ट कर रखा है, तो जियो तो जैसे मेरा मैं इस मोबाइल फोन के ऊपर कॉल करता हूँ, तो मेरा कॉल यहाँ पे कैसे लगा, कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सिग्नल कहाँ पे जाता है, जो अब ये वायरलेस कनेक्शन मेरा बन रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वायरलेस कनेक्शन है, कि सबसे पहले मेरा सिग्नल कहाँ पे जाता है, जो हमारे नियरेस्ट टावर लगे होता है, तो जैसे मान लो कि कौन से टावर की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे घरों के आप लोगों ने देखे होंगे बड़े बड़े जो टावर्स लगे होते हैं ना, जो हमारे टेलीकॉम्स के टावर होता है, ये वाले टावर्स, इन टावर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो टेलीकॉम हमारे टावर्स होते हैं, जो जिनके थ्रू हमारा कनेक्शन यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है। तो अब ये टावर्स क्यों लगा रखे हैं भाई, नियरेस्ट अब मेरे मोबाइल फोन का कनेक्शन यहाँ से यहाँ पे बनाना है मुझे, तो अब मेरा सिग्नल कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले जो मेरे नियरेस्ट टावर, वहां से कनेक्शन मेरा कहाँ पे पहुंचा, इस मोबाइल फोन का सिग्नल जाता है इस टावर से, और टावर से अभी सिग्नल, अब ये पूरा प्रोसेस जो है वायर के थ्रू यहाँ पे स्टेब्लिश हो गया है, मतलब उसके बाद जो पूरा कम्युनिकेशन होगा वायर के थ्रू होगा। अब हमारे तक जो कनेक्टिविटी बन पा रही थी तो वो वायरलेस बन रही थी, और देन अब यहाँ से इस टावर से जो मेरा सिग्नल जाएगा वो वायर के थ्रू जाएगा। अब वायर से अब ये टावर इस पैकेट को कहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा,
इस मोबाइल फोन से जो सिग्नल आया टावर ने कैच किया, और टावर कहाँ पे फॉरवर्ड कर देता है इस पैकेट को, स्विचिंग सेंटर्स के ऊपर। अब स्विचिंग सेंटर्स क्या होता है अभी एक बार मैं दिखा देता हूँ, है ना। सेंटर जो लगे होते हैं हमारे सिटी में, हमारी मतलब जहाँ पे हमारे टेलीकॉम के, जहाँ पे हमारे कम्युनिकेशन के लिए चीज़ें होती हैं, तो हर सिटीज़ के अंदर ये लगे होते हैं। तो इस टाइप के जो डेटा सेंटर्स आप लोगों ने सर्च करके देखे हों, तो हमारा पैकेट कहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया जाता है इन टावर्स के द्वारा, इन स्विचिंग सेंटर्स के ऊपर, जहाँ से हमारा पैकेट अब यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे जो डिवाइसेज लगे हुए हैं ये स्विचिंग सेंटर्स के ऊपर, अब ये इनके ऊपर ऑलरेडी एंट्रीज बनी हुई हैं कि पैकेट को कहाँ पे फॉरवर्ड करना है। तो अब ये रीड करेंगे इस टाइप के पैकेट मतलब डेटा सेंटर के अंदर हमारे पैकेट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। जैसे आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, तो ये मान लो सर, कि पैकेट मतलब इन्फॉर्मेशन जो डेटा हाँ हमारे से गया वैसे ना। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे मोबाइल फोन से जो भी डिटेल, मान लो मैं किस पर्सन के ऊपर कॉल कर रहा हूँ, तो मेरे सिस्टम से जो एंट्री लग के जा रही है उसी पर्सन के ऊपर जाना है। तो सोर्स मेरा एड्रेस क्या होगा भाई, जहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ, और डेस्टिनेशन कहाँ के ऊपर मैं करना चाहता हूँ। तो अब मान लो मेरा कंट्री कोड अलग था या स्टेट कोड अलग था, तो उसके बिहाफ पे और भी बहुत सारी चीज़ें, AS नंबर, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर वहाँ पे वर्क करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी एंट्री सबसे पहले कहाँ पे काम, जैसे ये इमेज आपके सामने आ रही होगी, तो अब यहाँ पे पर बैक कर लेता हूँ यार, इसको मैं हटाता हूँ। अब ये इमेज देखो यहाँ पे, इस इमेज के अंदर क्या दिखाई दे रहा है कि ये टावर है, मान लो ये टावर यहाँ पे लगे हुए हैं, एक मोबाइल फोन ये है, एक मोबाइल फोन ये है। तो इस मोबाइल फोन से मेरी एंट्री कहाँ पे जाती है, सबसे पहले एंट्री जाएगी इन टावर्स के पास, टावर से एंट्री जाएगी जो हमारे स्विचिंग सेंटर्स होते हैं, तो जहाँ से हमारे पैकेट को रीड किया जाता है, देन इस पैकेट को कहाँ पे फॉरवर्ड करना है, कौन से नेटवर्क के ऊपर ऐसे सेंड करना है। तो इनके पास ये डेटा सेंटर्स के पास इसकी एंट्री है, देन इस पैकेट को रीड करेंगे भाई कहाँ पे इस पैकेट को फॉरवर्ड करना है। तो देन अब इस पैकेट को ये रीड करके उस पर्टिकुलर डिवाइस के पास, जिसके पास इस सिग्नल को फॉरवर्ड करना है, तो वहां पे इस पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। तो ये नेटवर्क के थ्रू, अब जो ISPs का जो नेटवर्क बिछा होता है, जैसे मैं बात करूँ राजस्थान, जो दिल्ली, दिल्ली टू महाराष्ट्र, जो भी कंट्रीज है, जितने भी स्टेट्स हैं, उन सबको कनेक्ट करने के लिए पूरा एक नेटवर्क प्रॉपर स्टेब्लिश किया हुआ है, देन हमारा कम्युनिकेशन वहाँ पे हो पाता है। तो अब मेरा पैकेट यहाँ से जाना है मान लो किसी अनदर स्टेट के लिए, तो वहाँ पे इस पैकेट को इंटरनली प्रोसेस करके, मतलब इसकी जो भी एंट्रीज लग के जाती है, AS नंबर या जो भी मोबाइल फोन के कोड लग के जाते हैं, या EMI नंबर, जहाँ से पैकेट को फॉरवर्ड किया जा रहा है, तो वहाँ पे इस पैकेट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो जैसे मान लो अब ये इस स्विचिंग सेंटर के पास पहुंचा, तो यहाँ पे स्विचिंग सेंटर है, तो यहाँ से पैकेट को फॉरवर्ड कर दिएगा मेन जो डेटा सेंटर्स होता है, कि वहां से अब इस पैकेट को मूव ऑन करना है अनोदर नेटवर्क के ऊपर, जहाँ पे इस पैकेट को फॉरवर्ड करना है, जहाँ पे इस पैकेट को जाना है। तो अब यहाँ से इस एंट्री को जिस स्टेट के लिए, जिस मोबाइल फोन के जाना है, तो उस स्टेट के नेटवर्क के ऊपर इसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जैसे इस डेटा सेंटर से इसकी, इस स्विचिंग सेंटर से इसकी एंट्री, इस सर्वर से इस एंट्री को रीड किया गया, देन इस पैकेट को ये फॉरवर्ड कर देगा कहाँ के नेटवर्क के लिए, जिस नेटवर्क के ऊपर इसको सेंड करना है। तो मान लो कि अब ये दिल्ली से कॉल लग रहा था, और कहाँ के लिए, राजस्थान के लिए, तो इस नेटवर्क को अभी कहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा, राजस्थान के ऊपर। तो अब राजस्थान को भी छोटा मोटा तो है नहीं, तो राजस्थान के ऊपर ये पैकेट कहाँ पे जाना है, तो राजस्थान से पैकेट जाना है भाई अलवर के ऊपर। तो रूट सर्वर्स होता है जिन्हें हम बोल सकते हो, कि जो नेटवर्क के ऊपर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस पैकेट को कहाँ के नेटवर्क के ऊपर स्टेब्लिश करना है भाई, राजस्थान। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, व्हाट इज माई IP, मैं सर्च करता हूँ, जैसे एक वेबसाइट है व्हाट इज माई IP एड्रेस, मैं क्रोम के ऊपर जाता हूँ अगेन, और आप लोग क्रोम के ऊपर जाके सर्च करोगे व्हाट इज माई IP, व्हाट। अब देखो ये वेबिनार है, तो इसके अंदर 1 घंटे का, इसके अंदर बहुत सारी चीजें, मतलब ऐसा नहीं कि सारी चीजें कवर हो जाएंगी, मैं जितना कवर कर सकता हूँ। और मतलब कुछ लोगों को जिनको बिल्कुल भी टेक्निकल आइडिया नहीं है, तो उनके लिए समझना मुश्किल होगा जो भी चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, कि ये मोबाइल फोन से कॉल लग रहा है, लेकिन आज हम मतलब सिंपली हम किसी से बात करें जिस पर्सन को कोई आइडिया नहीं है, है ना। तो उससे हम पूछने जाते हैं भाई एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर मैं कॉल करता हूँ, तो मेरा कॉल कैसे लगता है भाई, वो बोलेगा सिंपल सा कि भाई मेरा मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, देन मैं कॉल करता हूँ, मेरा कॉल लग जाता है, ठीक है। तो लेकिन उसके पीछे नेटवर्क कैसे वर्क कर रहा है, उसका आर्किटेक्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है, कैसे मतलब कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं वहाँ पे, ये एक टेक्निकल प्रोसेस कैसे वर्क करता है, ओके। और मान लो गूगल के ऊपर मैं सर्च करता हूँ व्हाट इज नेटवर्किंग, मान लो मैंने सर्च किया, तो मतलब नॉर्मली मैं आप लोगों से पूछता हूँ, तो आप कहोगे कि भाई गूगल एक सर्च इंजन है, उस गूगल के ऊपर जो भी चीज़ हम सर्च करते हैं वो ऑलरेडी उसके ऊपर होता है, जो भी हम सर्च करते हैं हमारे सामने वो पेज ओपन हो जाता है ना, क्योंकि गूगल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है।
लेकिन दिस इज नॉट अ टेक्निकल आंसर। तो इसके पीछे का जो एल्गोरिथम है कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, वहां पे HTTP लिखा आता है, जो भी मैं चीज यहाँ पे सर्च करने जाता हूँ ना, HTTP का एक सिग्नल बन के आता है, देन वहाँ पे मतलब वेब वेब सर्विसेज वर्क करती हैं, डोमेन सर्विसेज वर्क करती हैं, फाइल ट्रांसफर सर्वर्स वहाँ पे वर्क करते हैं, प्रॉक्सी सर्वर्स वहाँ पे वर्क करते हैं, देन हमारे सामने वो पेज रीलोड होता है, ठीक है। बहुत सारी IP एड्रेसेस की एंट्री वहाँ पे लग के जाती है। जैसे मैं अभी बात कर रहा था व्हाट इज माई IP के ऊपर, तो जैसे कोई पर्सन राजस्थान का है या मुंबई का है, कोलकाता का है, चेन्नई का, तो उन सबको अपना एक एड्रेस मिलता है, मतलब इंटरनेट के ऊपर IP एड्रेस पार्ट है, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जैसे हमारी एक पहचान। जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं व्हाट इज IP, जिस IP के बारे में मैं बोल रहा हूँ, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एक एड्रेस होता है, जैसे हमारी पहचान के लिए एक यूनिक एड्रेस आप कह सकते हो, हमारा आधार कार्ड नंबर हो गया, या हमारा नाम हो गया, या रोल नंबर हो गया, तो एक यूनिक एड्रेस हमारे पास है। तो ऐसे ही डिवाइसेस की पहचान के लिए, इंटरनेट के ऊपर पहचान के लिए, डिवाइसेस की पहचान के लिए एक एड्रेस होता है जिसे हम IP एड्रेस बोलते हैं। और ये कौन पब्लिक है या प्राइवेट है, कौन से क्लासेस में बटा होता है ना, स्टैटिक है या डायनेमिक है, ये सारी चीजें, या लैन में आता है, वैन में आता है, वो सारी चीजें हम क्लासेस के अंदर कवर करते हैं। और एक यूट्यूब चैनल हमारा एज ए नेटवर्किंग के लिए, जिसके ऊपर मेरे वीडियोज आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, है ना, कंप्लीट जो नेटवर्किंग का जो सिलेबस होता है, नेटवर्क कैसे काम करता है, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम एक छोटी छोटी चीजों को क्लासेस के अंदर यहाँ पे कवर करते हैं, तब चीजें हमें एग्जैक्ट समझ में आती हैं। कि जो चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि नेटवर्क का जो इंफ्रा है, मतलब इंटरनेट, मान लो मैंने लैपटॉप ओपन किया या अपना मोबाइल फोन मैंने स्टार्ट किया, तो मेरा इंटरनेट वहाँ पे चल रहा है, मैं यूट्यूब यूज कर रहा हूँ, तो वो तो चल गया, चलो ठीक है, मेरे कनेक्शन मैंने ले रखा है, जियो सर्विस मैंने ले रखी है, मैं महीने का उसे पे करता हूँ, देन मेरे पास इंटरनेट चलता है, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन जैसे ही मैंने सिस्टम स्टार्ट किया, तो मेरा इंटरनेट पहुंच कैसे पा रहा है, किस तरीके से वो डिलीवर होता है, क्या क्या चीजें काम करती हैं, एग्जैक्ट वो चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जैसे DNS है, या मेरे सिस्टम के ऊपर एड्रेस ही असाइन होता है, IP एड्रेस जो असाइन होता है वो कैसे असाइन हो रहा है, ठीक है, उसके पीछे का एल्गोरिथम क्या है, कि भाई क्या चीज उसके ऊपर ऐसी काम करती है जिससे मेरा मेरे पास IP एड्रेस असाइन होता है। तो ये हमारा एक चैनल है क्रो का, क्रो नेटवर्किंग, जिसके ऊपर आप लोगों को नेटवर्किंग के वीडियोज देखने को मिलेंगे, और मतलब इसके ऊपर आप लोग खुद से एक बार गो थ्रू कर सकते हो, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सारे वीडियो जो है मेरे यहाँ पे अवेलेबल है ना, कि नेटवर्किंग के ऊपर कैसे चीजें काम करती हैं। तो एक ये वीडियो मैं एक बार रन कर देता हूँ, जैसे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे नेटवर्क जो डिवाइसेज होते हैं, कौन से डिवाइसेज होते हैं जिनका यूज करते हैं, जिनको हम एज ए नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं, इंटरनेट सर्विस को जनरेट करने के लिए। ओके निखिल, ओके, है ना, तो इस टाइप के डिवाइसेज होते हैं जो नेटवर्किंग अंदर यूज में आते हैं, और इनका यूज क्या होता है, भाई यूज केस, भाई नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए, जैसे राउटर, स्विचेज, आप लोगों ने नाम सुने हो, राउटर, मैं उस राउटर की बात नहीं कर रहा जो हमारे घर के अंदर जो राउटर लगा होता है, एज ए वाईफाई राउटर लगा होता है ना, राउटर जो नेट, जो हमारे घर के अंदर जो राउटर्स लगे होते हैं वो हमारे वाईफाई राउटर्स होते हैं, और जो ISPs जो राउटर्स होते हैं, जो जहाँ पे डेटा सेंटर्स के अंदर या ISPs के अंदर यूज होते हैं, तो वो वाले, ये वाले राउटर्स होते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ, राउटर सिस्को सर्च कर देता हूँ, सिस्को राउटर। अब सिस्को क्या है, सिस्को एक कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा नेटवर्क के अंदर जो डील करता है, जो नेटवर्किंग डिवाइसेस बनाती है, नेटवर्क सपोर्ट देती है, तो सिस्को कंपनी, इन डिवाइसेस की मैं बात कर रहा हूँ। और हमारे घर के अंदर जो राउटर्स लगे होते हैं वो ये वाले राउटर्स होते हैं, ठीक है, जो ये आप लोग देख सकते हो, ये मॉडम सा, ये वाला जिसका यूज करते हैं हम इंटरनेट सर्विस को यूज करने के लिए। और इन राउटर्स का यूज किया जाता है, जो ये मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इनका यूज करता है इंटरनेट सर्विस को जनरेट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, जहां से इंटरनेट सर्विस हमें मिलती है, वो ये वाले डिवाइस है जहां से इंटरनेट सर्विस हमें मिलती है, ओके। अब ये इंटरनेट सर्विस आती कहाँ से है भाई, अब मान लो कि मैं, व्हाट इज माय नेटवर्किंग के बारे में मैं बात कर रहा था अभी, तो एक बार इसके बारे में बता देता हूँ, ये एक वेबसाइट है जिसका यूज करते हैं, मान लो आप इसके ऊपर चेक कर सकते हो, जैसे मान लो मेरा IP एड्रेस क्या है, तो ये वाला मान लो मेरा IP एड्रेस है, जस्ट एग्जाम्पल, मैंने वैसे सर्च कर दिया और मैं एंटर करता हूँ, तो इस IP एड्रेस से आप पता कर सकते हो कि यह IP एड्रेस कौन सी ISP के द्वारा यूज हो रहा है, कहाँ के नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हो, जैसे ही IP एड्रेस मैंने सर्च किया, तो ये ISP कौन है इसका, भारतीय एयरटेल, है ना, एयरटेल जो ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसके द्वारा ये नेटवर्क का यूज हो रहा है, और कौन सी सिटी के लिए यूज हो रहा है, ये नोएडा के लिए और उत्तर प्रदेश, मतलब नोएडा तो उत्तर प्रदेश में आता है, देन इंडिया में यूज हो रहा है इसका, ठीक है। और एक ASN नंबर होता है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर,
जो एक नंबर होता है, जो हर एक ISP को अपना पब्लिक एक नंबर खरीदना होता है। आईना एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, जहां से इन नंबर्स की एंट्री हमें मिलती है, देन इनको यूज कर पाते हैं। ओके, तो अब मैं बात, मान लो आप अपना खुद का प्राइवेट नेटवर्क बना के, मतलब खुद से स्टैब्लिश करना चाहते हो कि मैं अपना खुद का एक इंटरनेट सर्विस बनाना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? भाई मैं यूज करना चाहता हूँ इंटरनेट सर्विस अपनी खुद की प्राइवेट, ठीक है? तो मान लो आपने अपने घर से एक एक स्विच मैंने यहाँ पे लगाया मान लो, ठीक है, और पहले इसको हटा देता हूँ, देन एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। एक लैपटॉप मेरे पास ये है, ठीक है, एक लैपटॉप ये, ओके। अब इस लैपटॉप से, इस वाले लैपटॉप से, इस फर्स्ट लैपटॉप से सेकंड लैपटॉप के ऊपर मैं कोई वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। क्या शेयर करना चाहता हूँ? वीडियो। और ये वाले वीडियो इसके ऊपर शेयर करना चाहता हूँ मैं विद यूजिंग, मैं किसका यूज कर रहा हूँ यहाँ पे? केबल का। सेंटर में मैंने केबल लगा रखी, बीच की दूरी जो है 1 मीटर। देन अब मैं केबल लगा के इसके ऊपर डेटा शेयर कर रहा हूँ, ओके। तो ये मेरा प्राइवेट नेटवर्क हो गया, मैंने किसी भी अनदर सर्विस को यूज नहीं किया है, मैं डायरेक्ट इसके ऊपर डेटा शेयर कर सकता हूँ, मुझे इंटरनेट सर्विस की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लो कि अब ये जो लैपटॉप है ये दिल्ली में रखा हुआ है और एक लैपटॉप दुबई में रखा हुआ है, ओके। देन अब आप चाहते हो कि भाई दिल्ली टू मतलब इस लैपटॉप से, इस लैपटॉप के ऊपर मैं डेटा शेयर करना चाहता हूँ और इनके बीच की दूरी जो है 5000 किलोमीटर है, देन ये पॉसिबल नहीं है कि आप भाई डायरेक्ट इनके ऊपर आप केबल लगा के इंटरनेट सर्विस यूज कर पाओ, प्लस वीडियो को शेयर कर पाओ। तो ये बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया, 5000 किलोमीटर तक आप कैसे डेटा को शेयर कर सकते हो? नहीं कर पाओगे ना। मतलब खुद का प्राइवेट नेटवर्क आपके लिए बिछाना बड़ा मुश्किल होगा कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आप वीडियो शेयर करना चाहते हो अपने खुद के प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब आप वीडियो शेयर करना चाहते हो तो कैसे करोगे भाई? बीच में आपने किसका यूज किया? मान लो गूगल ड्राइव का यूज किया। किसका यूज किया? जी टीम, मतलब गूगल ड्राइव का। देन गूगल ड्राइव के थ्रू आप इस डेटा को शेयर कर पाते हो, मतलब इस वाले लैपटॉप से, इस वाले लैपटॉप के ऊपर आप डेटा जो शेयर कर रहे हो गूगल ड्राइव के थ्रू कर। तो बीच में आपने किसको यूज किया? गूगल ड्राइव को यूज किया, देन आप डेटा शेयर कर पा रहे हो। तो ये अब जो नेटवर्क, सर अब बीच में किसको यूज किया आपने? गूगल ड्राइव को यूज किया, तो मतलब देन आपका डेटा यहाँ पे शेयर हो पा रहा है। लेकिन अब आप चाहते हो कि मैं तो गूगल ड्राइव का यूज नहीं करूंगा, अपना प्राइवेट नेटवर्क यहाँ पे, मतलब खुद के नेटवर्क से यहाँ पे डेटा को शेयर करना चाहता हूँ, इंडिया टू कहाँ पे, मतलब दिल्ली टू मैं दुबई जो डेटा शेयर करूंगा अपने खुद के प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर ही शेयर करूंगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? पूरा नेटवर्क आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा, ओके, देन आप डेटा को शेयर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको खुद का मतलब पूरा नेटवर्क स्टैब्लिश करना पड़ेगा, देन वहाँ पे आप मतलब ये केबल आपको वहां तक बिछानी पड़ेगी, आपका नेटवर्क स्टैब्लिश करना पड़ेगा, देन आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो आप किसी विदाउट अनदर सर्विस को यूज करके। अब ये काम किसने कर रखा है? ये ISPs ने कर रखा है। मान लो कि एक नेटवर्क है क्या भाई? नेटवर्क आ कहाँ से रहा है? नेटवर्क जो ISPs होती हैं उनके पास ऐसी कोई मशीन नहीं है कि भाई उसको स्टार्ट कर देंगे देन इंटरनेट बनना स्टार्ट हो जाएगा, 1 GB 2 GB 3 GB, है ना, कि वो धीरे धीरे यूज करते रहो, चलो वो इंटरनेट बना रही है, ऐसी कोई दुनिया में मशीन नहीं है। तो इंटरनेट आ कहाँ से रहा है? मान लो इंटरनेट, अब यहाँ से मान लो एक स्विच है मेरे पास, ओके, और इस स्विच के साथ मैं मल्टीपल डिवाइसेज को कनेक्ट कर देता हूँ, बहुत सारे डिवाइसेज को मान लो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, और एक पीसी यहाँ पे है, एक पीसी यहाँ पे है, और एक पीसी यहाँ पे है, बहुत सारे पीसीज को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, पीसी और एक पीसी, ओके। अब मैं इन सभी पीसी से किसी भी पीसी के ऊपर बात करना चाहता हूँ तो डायरेक्ट मैं बात कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है ना, कि भाई मैं इस पीसी से बात करना, इसका एड्रेस है 10.1, इसका एड्रेस है 10.10, तो मैं 10.1 से 10.10 के ऊपर को डेटा शेयर करना चाहता हूँ, ऑफकोर्स कर सकता हूँ, इनकी कनेक्टिविटी है, राइट। मतलब मैंने अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बना रखा है, इनके बीच की जो दूरी है, मतलब एक रूम के अंदर मैंने बैठ इन सभी डिवाइसेस को रखा हुआ है, देन इनका कनेक्शन मैंने बना रखा है, ये मेरा नेटवर्क हो गया, मतलब खुद का प्राइवेट नेटवर्क हो गया। लेकिन इसी चीज को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, मान लो ये लैपटॉप जो रखा हुआ है ये मुंबई में, ये कोलकाता में है, ये चेन्नई में है, ये बेंगलोर में है, ये दिल्ली में है, ये राजस्थान में है, ये हरियाणा में है, और ये तमिलनाडु में। अब मैं किसी अनदर सर्विस को यूज नहीं करना चाहता, तो जस्ट एग्जांपल आप लोगों ने इन चीजों को रिलेट करना है कि भाई चीजें कहाँ कैसे काम कर रही है। ISP ये काम, अब मैं सेम कंडीशन यहाँ पे कि भाई मैं नहीं चाहता किसी अनदर, मैं इस पीसी से इस पीसी के ऊपर कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं किसी और सर्विस को यूज नहीं करना चाहता, ना मैं जियो को यूज करना चाहता हूँ, ना ही मैं फेसबुक को यूज करना चाहता हूँ, ना ही यूट्यूब को यूज करना चाहता, मतलब किसी भी सर्विस को मैं यूज नहीं करना चाहता, मतलब किसी भी ISP को मैं यूज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि इस लैपटॉप से इस लैपटॉप के ऊपर मैं बात करूँ। तो सेम कंडीशन कि भाई आपने अपना नेटवर्क यहाँ पे स्टेब्लिश करना पड़ेगा,
भाई अब ये काम किसने कर रखा है, हम यूज क्यों करते हैं भाई, हमारे लिए महीने का 200 300 400 रुपए जो भी हम पे करते हैं, तो वो हम अब इजी टू यूज है ना, वो काम किसने कर रखा है भाई। मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, इंडिया टू यूएसए कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो अब मुझे ये प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं कि मैं वहां पे कैसे कनेक्ट करूंगा। इस प्रॉब्लम को फेस किसने कर रखा है, मतलब पहले ही सोल्व किसने कर रखा है, आईएसपी ने यूज कर रखा है, और उस सर्विस को मेंटेन करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट हमसे आईएसपी पे कर पहले हमसे चार्ज करता है, देन हम उसको पे करते हैं, वो सारा कनेक्शन हमारा वहाँ पे स्टेब्लिश कर रखा है। तो ये काम पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबली किसने कर रखा है, जितने भी आईएसपीज हैं, जितने भी बड़े टेक जायंट्स हैं, उनने कर रखा है, देन उनको हम सर्विस पे करते हैं, जितना वो हमसे चार्ज करते हैं, देन हम अपना इंटरनेट सर्विस यूज कर पाते हैं। लेकिन आप अपना खुद का प्राइवेट नेटवर्क स्टेब्लिश करना चाहते हो तो आपको कर सकते हो, क्यों किसने मना किया है भाई, आप भी अपने इंटरनेट इंटरनेट सर्विस देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन आपको उसी स्केल के ऊपर, मतलब उसी के बराबर, मतलब जो इंटरनेट सर्विस जियो देती है या जो भी सर्विसेज हमें एयरटेल देती है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने अपना पूरा एम्पायर क्रिएट करना पड़ेगा, देन अपना अपना जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो आप दे सकते हो। उसके अंदर बहुत सारी क्राइटेरिया, मतलब जो जो चीज़ें यूज होती हैं, मतलब डिवाइसेज यूज हो रहे हैं या सर्वर्स यूज हो रहे हैं या जो भी इक्विपमेंट या जो भी मेन पावर्स यूज हो रही है, तो वो आप करना पड़ेगा, या टावर्स को लुगाया, मतलब ये जो टावर, मतलब आईएसपी के द्वारा जो इंटरनेट सर्विसेज के लिए जो टावर्स फैला रखे हैं, पूरे केबलिंग लगा रखी है, इंडिया टू यूएसए कनेक्ट करना हो, कनाडा कनेक्ट करना हो, दुबई कनेक्ट करना हो, तो वो वायरिंग, वो कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए वो सारी इन्वेस्टमेंट आपको लगाने पड़ेंगे, पूरा इंफ्रा आपको, पूरा स्ट्रक्चर आपको तैयार करना पड़ेगा, देन आप सो जो कि मैंने मार्केट के अंदर जो कम्पीट कॉम्पिटिशन है उसके साथ आपने मैच करना, देन आप अपना नेटवर्क स्टेब्लिश कर सकते हो। जो भी आप बोल रहे हो यार, एक बार अनम्यूट करके बोल लो ना, कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं है तो आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो। दुर्गेश, हेलो दुर्गेश, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि आप डायरेक्ट मेरे से बात करोगे तो उसमें कुछ ना हेजिटेशन वाली चीज नहीं होनी चाहिए भाई, आप मेरे से कुछ बोलना चाहते हो तो डायरेक्ट बोल सकते हो। देखो दुर्गेश, आपने जो मैसेज किया, आपका जो क्वेश्चन है, आपकी जो क्वेरी है वो है प्राइवेट नेटवर्क बना के, है ना, तो बिल्कुल आप प्राइवेट, लेकिन आपके लिए प्राइवेट, ये जस्ट इन चीजों को मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आप अपना प्राइवेट नेटवर्क बना के इस तरीके से कनेक्शन बना सकते हो, लेकिन आपके लिए बनाना या क्या ये पॉसिबल है कि भाई मैं, आप अपने दोस्त से बात करना चाहते हो, आप दिल्ली में रहते हो, जस्ट एग्जाम्पल आप दिल्ली में रहते हो, आपका दोस्त जो है वो मुंबई में है, तो आप अपने दोस्त से कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको वहां तक अपना खुद का प्राइवेट नेटवर्क स्टैब्लिश करना पड़ेगा, तो क्या आपके लिए करना मुश्किल, मतलब आसान होगा भाई, इसके लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी भाई, वहां तक आप किसी भी सर्विस को यूज नहीं करना चाहते, और आप अपने नेटवर्क के ऊपर गूगल को यूज करना चाहते हो, ठीक है, आपने अपना पूरा प्राइवेट नेटवर्क यहाँ पे बना रखा है, ओके, तो आप गूगल सर्विस को यूज करना चाहते हो, क्या आप गूगल को यूज कर सकते हो, नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल से अपने क्रेडेंशियल्स गूगल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा आपको भाई, गूगल आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने पेज को दे, देन जैसे ही आप गूगल को यूज करोगे गूगल आपके पेज के ऊपर एक्सेस देगा, देन आप उसको यूज कर सकते हो, गूगल आपको परमिशन दे रहा है, जितने भी बड़े टेक जायंट है जैसे मान लो जियो है या एयरटेल है, ये जितने भी सर्विसेज हैं उन सबके साथ इनका कनेक्शन होता है, ऐसा नहीं कि भी गूगल बोल रहा है, मैं फेसबुक बोल रहा है मैं तो जियो की सर्विस के ऊपर अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं होने दूंगा, ठीक है, पर्सनली चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन नेटवर्क के ऊपर जब बिजनेस की बात आती है तो भाई जियो सर्विस, अब जियो बोलता है कि मैं फेसबुक पेज को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ओपन नहीं होने दूंगा, एयरटेल कह रहा है कि आप यूज कर सकते हो मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन जो लोगों का भाई नेटवर्क जो बिजनेस है वो फेसबुक के यहाँ पे चल रहा है या जो भी काम चल रहा है, तो जियो को यूज क्यों करेंगे, वो एयरटेल के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इससे नुकसान किसका है भाई, जियो का नुकसान है, तो जियो भी ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, तो जितने भी ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनके थ्रू हम इंटरनेट सर्विस यूज कर पाते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म को यूज कर पाते हैं, तो उनके थ्रू हम कनेक्ट कर पाते हैं उन सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अब ये हवा में थोड़ा हमें कनेक्ट करवा देते हैं, इनका कनेक्शन होता है उन सर्विसेज के साथ, कि मैं बात करूँ यूट्यूब के साथ या गूगल के साथ या फेसबुक के साथ या जीमेल के साथ, ये जो भी प्लेटफॉर्म्स है दुनिया के अंदर उन सबके साथ इनके साथ कनेक्ट होते हैं, देन हम इनको अथॉरिटी होती है कि अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें पेज ओपन करवा सकती है, ठीक है, मान लो कि मैंने दो डिवाइसेज ले रखे थे, ठीक है, दो तीन जितने डिवाइसेज यहाँ पे ले रखे हैं, जस्ट एग्जाम्पल, अब मैं कहता हूँ, अब मैंने किसी अनदर सर्विस को यूज नहीं किया, मैंने किसी वाईफाई वाई किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर रखा इन डिवाइसेज को, ठीक है, जो भी लैपटॉप मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, तो मैं अब यूज करना चाहता हूँ, मैं किसी अनदर सर्विस को यूज नहीं कर रहा,
तो भाई मैं यूज करना चाहता हूँ किसको, गूगल को, तो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, मेरे पास क्रेडेंशियल्स नहीं है। मेरा ये जो प्राइवेट नेटवर्क है, मैं किसी अनदर, मैं जियो को, एयरटेल को, वीआई को, मैं किसी भी सर्विस को यूज नहीं कर रहा, तो देन मैं गूगल के ऊपर कैसे पहुंच सकता हूँ, नहीं पहुंच सकता, राइट? तो उसके लिए मुझे किसको यूज करना पड़ेगा, जियो को, जियो मतलब आईएसपी को यूज करना पड़ेगा ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। अब ये क्या है भैया, जो हमें इंटरनेट सर्विस दे रहे हैं, जिनके थ्रू हम पहुंच पाते हैं कहाँ पे, उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिनको हम यूज करते हैं, ओके? लेकिन प्राइवेट नेटवर्क, आप अपनी, जैसे नॉर्मली हम बात करें, प्राइवेट नेटवर्क क्या है, क्या भाई प्राइवेट नेटवर्क का मतलब है कि हम डायरेक्ट, मान लो कि प्राइवेट नेटवर्क, व्हाट इज प्राइवेट नेटवर्क, हम किसे बोलेंगे कि मैं आप लोगों से डायरेक्ट बात कर सकता हूँ, राइट? तो एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को जो भी शेयर कर रहा हूँ, मान लो प्राइवेट हो गया, एक लैंड नेटवर्क और वैन नेटवर्क, आप लोग समझते होंगे, शायद नहीं समझते हो तो मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ। मान लो एक डिवाइस मेरे पास है, एक डिवाइस ये है, इस लैपटॉप से, इस लैपटॉप के ऊपर मैं डेटा शेयर कर रहा हूँ, कुछ भी डेटा शेयर कर रहा हूँ, डायरेक्ट डेटा शेयर कर पा रहा हूँ, तो ये मेरा लैंड नेटवर्क, मतलब मेरा प्राइवेट नेटवर्क है। मैं किसी और चीज को, मैं मतलब पर्सनल मेरा नेटवर्क जो था, मैं डेटा जो चाह रहा था, मैं किसी अनदर सर्विस का यूज नहीं कर रहा, डायरेक्ट मेरा कनेक्शन यहाँ पे बना हुआ, तो ये मेरा लैंड नेटवर्क है, ओके? मतलब डायरेक्ट डेटा को मैं शेयर कर पा रहा हूँ, तो मेरा लैंड नेटवर्क है। लेकिन मैं डेटा शेयर कर पा रहा हूँ किसके बिहाफ पे, मान लो मैं जियो सर्विस को यूज करके कर पा रहा हूँ, या गूगल ड्राइव के थ्रू कर पा रहा हूँ, या वी, मतलब किसी भी अनदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज करके, किसी अनदर सर्विस को यूज करके, देन डेटा को मैं शेयर कर पा रहा हूँ, ओके? तो अब ये कैसे पॉसिबल है, तो इसके लिए मुझे किसका यूज करना पड़ेगा बीच में, भाई इंटरनेट सर्विसेज का यूज कर, जो इंटरनेट टेक जायंट्स है जो मुझे इंटरनेट सर्विस दे रही है, उनके थ्रू मैं इन चीजों को पॉसिबल कर पाऊंगा। भाई गूगल ड्राइव को मैं यूज करना चाहता हूँ तो डायरेक्ट तो यूज नहीं कर सकता, तो गूगल ड्राइव अब किसके साथ कनेक्ट है, जो आईएसपी, जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जिनके थ्रू हम इंटरनेट को यूज कर पा रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट है, देन हम गूगल ड्राइव पे इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ओके? तो नेटवर्क का कुछ इस तरीके से इंफ्रा काम करता है कि चीजें एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट है। मान लो मैं यूट्यूब सर्च करता हूँ, मान लो यूट्यूब के ऊपर मैंने कुछ भी सर्च किया, तो नॉर्मली यही चीजें, अब जैसे ये तो भाई मैं कोई नई चीज तो नहीं बता रहा कि भाई मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ कि यूट्यूब या जो भी चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो कोई, लेकिन ये चीजें कनेक्ट कैसे कर रही हैं। अब यूट्यूब के ऊपर जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे भी कोई चीज सर्च करता हूँ, तो मेरे सामने पेज एक्सेस हो रहा है यूट्यूब का, ठीक है? जो भी वीडियो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, ऑफकोर्स देख सकता हूँ, जहाँ पे भी यूट्यूब चल रहा है। तो अब यहाँ पे मेरे सामने पेज आया कैसे, अब ये वीडियो मेरा किस तरीके से मेरे साथ प्रोसेस कर पा रहा है, तो भाई यूट्यूब, अब यूट्यूब के ऊपर मैं कोई वीडियो पब्लिश करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करता हूँ भाई, मैं यूज कर रहा हूँ मान लो इंटरनेट सर्विस को यूज करके, अब यूट्यूब के सर्वर के ऊपर मेरा वीडियो चला जाता है, मतलब जैसे हम क्लाउड प्लेटफॉर्म बोलते हैं, यूट्यूब के क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर वो वीडियो चला जाता है। मान लो मैंने अपने लैपटॉप से एक वीडियो अपलोड किया, और बीच में किस, कौन सी सर्विस को यूज कर रहा हूँ, बीच में है जियो है, ठीक है? जियो का यूज करके, और जियो कनेक्ट है यहाँ पे भी, ये यूट्यूब का सर्वर है, ये किसका है, मान लो यूट्यूब सर्वर है, ये यूट्यूब सर्वर है। तो अब जियो सर्विस को मैं यूज कर रहा हूँ, देन जियो सर्विस को यूज करके मैं इस वीडियो को कहाँ पे अपलोड कर पाता हूँ, यूट्यूब के सर्वर के ऊपर, ओके? अब यूट्यूब जो है, ये यूट्यूब का सर्वर है, अब यूट्यूब पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां जहां पे यूट्यूब चलता है, अब वो जितने भी आईएसपी हैं, जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन सबके साथ कनेक्ट है। मान लो इस, ये इंडिया से अपलोड किया गया था वीडियो, अब कोई मान लो दुबई के अंदर इस वीडियो को देखना चाहता है, ठीक है? और ये जो पर्सन है किसी अनदर, मान लो ए बी सी डी, ए ए सी डी या ए सी कोई नाम की एक आईएसपी है, आईएसपी इसके साथ कनेक्ट है। अब ये जो ए सी आईएसपी को यूज कर रहा है पर्सन, देन अब ये ए सी जो वेबसाइट है, या ए सी जो आईएसपी है, ये कनेक्ट है किसके साथ, यूट्यूब के साथ। देन अब इस वीडियो को देखना चाहता है, तो वो वीडियो कहाँ पे पड़ा हुआ है भाई, वीडियो कहाँ पे अपलोड है, यूट्यूब के सर्वर के ऊपर, देन ये उस वीडियो को देख सकता है। अब मान लो मैं किसी अनदर सर्विस को यूज भी नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि किसी आईएसपी को यूज करूँ, मैं डायरेक्ट यूट्यूब के वीडियो को देखना चाहता हूँ अपने, मैं विदाउट किसी इंटरनेट सर्विस को यूज किए हुए, तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। यूट्यूब मुझे, यूट्यूब एक आईएसपी तो नहीं है कि भाई वो मुझे इंटरनेट सर्विस दे रहा हो, यूट्यूब कनेक्ट है किसके साथ, कि भाई यूट्यूब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मुझे दे रखा है कि वीडियो आप देख सकते हो किसके भी आप पे। अब यूट्यूब जो डेटा है वो, मतलब यूट्यूब का जो वीडियो है कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सेस हो रहा है मेरे पास, जियो के ऊपर, मतलब इंटरनेट सर्विस मैं यूज कर रहा हूँ जियो की, देन मेरे पास डेटा यहाँ पे एक्सेस हो पा रहा है, ओके? तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे जो भी चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, और जो भी क्वेश्चन आप लोगों के हों, बस कुछ ये चीजें थी जो नेटवर्क इंफ्रा के अंदर यूज होती हैं, और जो भी आपके क्वेश्चन हो तो आप एक बार मेरे से डिस्कस कर सकते हो। और निहाल,
और बाकी के लोग लीव कर चुके हैं। यस सर। हाँ तो निहाल, आप जो भी एक बार मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं जिस भी रिगार्डिंग, है ना, जो भी क्वेरी आपकी हो। अब देखो चीज़ें, जैसे जो भी चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, तो चीज़ों को कनेक्ट करना, ये धीरे धीरे हम जब स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, कि मान लो फर्स्ट स्टेप है कि हमने आईपी एड्रेसेस के बारे में पढ़ा, या डिवाइसेस को कनेक्ट करना हमने सीखा, कि देन हमारा कनेक्शन बनता कैसे है, और फिर वहाँ पे सर्विसेज के बारे में हमने पढ़ा, डीएनएस पढ़ा, डीएससी भी पढ़ा, मतलब कौन सी सर्विस किस चीज़ के लिए काम कर रही है। तो एग्जैक्ट जब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं, देन मैं इसके बारे में डिस्कस करूँ कि ओ अब 1 घंटे के अंदर इन चीज़ों को कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो अब इन चीज़ों को कवर करने के बाद देन हम बात करें कि नेटवर्क इंफ्रा कैसे चीज़ें काम कर रहा है। अब मैं कहता हूँ कि नेट सर्विस वहाँ पे काम कर रहा है, तो नेट किस तरीके से काम कर रहा है, नेट एक प्लेटफॉर्म, एक सर्विस है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो अब यहाँ पे इसके थ्रू हमारे पास जो डिवाइस का मतलब इंटरनेट का यूज़ हो पा रहा है, तो वो चीज़ें कैसे काम करती है। वहाँ पर डीएचसीपी सर्वर है, डीएचसीपी सर्वर की ओर से हमें एड्रेस असाइन हो रहे हैं, तो वहाँ पे एड्रेस किस तरीके से असाइन हो रहा है, डीएनएस कैसे वर्क कर रहा है, या एफटीपी टीएफटीपी जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स हैं वो हमारे कैसे काम कर रहे हैं, वेब सर्विसेज कैसे काम कर रही हैं। तो ये सारी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डीएचसीपी पढ़ सर्वर मतलब, क्या डीएचसीपी मतलब डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। जैसे मान लो आप लोगों ने, आपको ये पता होगा कि जब भी हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारे सिस्टम को एक एड्रेस मिलता है, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला भी था कि जब भी हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने जाते हैं तो हमें एक एड्रेस असाइन होता है, एक आईपी एड्रेस जिसे हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो ऑटोमेटिक जो एड्रेस हमें असाइन होता है हमारे सिस्टम, क्यों, ये तो कोई प्रकृति की देन तो है नहीं भाई, ऑटोमेटिक एड्रेस हमें अपने ऐसे ही असाइन हो जाता है। तो जो एड्रेस वहाँ पे असाइन होता है हमारे सिस्टम को, जितने भी लोग पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं या जो भी सर्विस को यूज़ करता है एज इंटरनेट, तो वहाँ पे जो एड्रेस असाइन होता है वो किसके द्वारा होता है, डीएचसीपी के द्वारा, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसके द्वारा हमारे सिस्टम के ऊपर ऑटोमेटिक एड्रेसेस असाइन होते हैं। ओके, हमारे सिस्टम को जो जो आईपी एड्रेसेस असाइन होते हैं वो डीएचसीपी के द्वारा असाइन होते हैं। और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हमारे नेटवर्क के अंदर वर्क करती हैं, है ना, टेलनेट है, एसएसएच है, ये रिमोट सर्विसेज हैं। मान लो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि भाई इंजीनियर्स जो हैं लॉकडाउन के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम करते थे, मतलब घर से काम करते थे, तो उनके पास जो उनके डिवाइसेस थे वो तो घर पे तो थे नहीं, तो डिवाइसेस का रिमोट एक्सेस लेने के लिए किसका यूज़ करते थे, इन सर्विसेज का यूज़ करते थे, कि जैसे वो डिवाइसेस का रिमोट एक्सेस ले पाए, घर से बैठ के एक्सेस ले पाए। ठीक है, यस सर। हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेटवर्क, और मतलब एज ए स्टैटिक राउटिंग है, तो डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करवाने के लिए, तो एक नेटवर्क से अनदर नेटवर्क के ऊपर हमने कनेक्शन बनाना है, तो वहाँ पे कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होगा, तो वहाँ पे हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। मतलब टर्म्स हैं या टेक्नोलॉजीज या टेक्निक्यूज हैं जिनके थ्रू हम कनेक्शन बन पाता है हमारा। जैसे मान लो कि मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो मेरा कनेक्शन ऐसे नहीं बन रहा, उसके पीछे आईएसपी ने पहले ऑलरेडी उस कनेक्शन स्टैब्लिश कर रखा है, देन मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ जूम को, देन मेरा कनेक्शन बन जाता है। ठीक है, लेकिन ये काम किसने कर रखा है, आईएसपी ने कर रखा है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनके थ्रू हमारा कनेक्शन बन पा रहा है। ओके, और वहाँ पे डायनेमिक सर्विसेज हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, EIGRP जो हम क्लासेज के अंदर स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं, OSPF, BGP, MPLS, SD-WAN, ये सारी सर्विसेज जिनका यूज़ करते हैं, माना VPN ये, और फायरवॉल हो गया, राउटर स्विचेज, है ना, स्प्लंक हो गया, मतलब जो नेटवर्क के ऊपर जो भी चीज़ें काम करती हैं उन सारी चीज़ों को हम करेंगे। क्लाउड के ऊपर हम बात करें कि भाई सास आस पास, शायद आप लोगों ने सुना होगा ना, जो क्लाउड के अंदर सर्विसेज काम करते हैं, कि मान लो कहीं पे आपने वीडियो अपलोड करना है, जैसे ये जो वीडियो हम जो हमारा वेबिनार चल रहा है रिकॉर्डेड है, अब इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये वीडियो कहाँ पर जाएगा भाई, ये हमने प्रीमियम ले रखा है किसका, जूम का, कि जूम क्लाउड का मैंने आपसे प्रीमियम ले रखा है, तो ये वीडियो किसके ऊपर अपलोड होगा, मेरे सिस्टम के ऊपर अपलोड नहीं होगा, जूम के क्लाउड के ऊपर ये डेटा स्टोर होगा, तो वहाँ पे क्लाउड के ऊपर चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो वहाँ पे सर्विसेज होती हैं सास, SaaS, पास, PaaS, आस, IaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रा एज ए सर्विस, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो ये सर्विसेज होती हैं जिनके थ्रू हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म का यूज़ कर पाते हैं, सर्विसेज क्या हैं, कैसे चीज़ काम करती हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप क्लासेज के अंदर इन सारी चीज़ों को कवर करते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें, टेलीकॉम का पार्ट आता है, चीज़ें का
एक दो दूसरे सिस्टम के ऊपर हम कम्युनिकेट करते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें कैसे काम करती हैं, डिवाइस के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश होना हो, या जो भी चीज़ें हम सर्च करते हैं, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर कॉल कर रहे हैं, या हमारे पास जो इंटरनेट सर्विस मिल पा रही है तो वो कैसे मिल रही है, बैंडविड्थ क्या है, डिले क्या है, लैबिलिटी कंटिन्यूटी से सारी चीज़ों कैसे वर्क करती हैं, मतलब इंटरनेट के ऊपर। अभी थोड़ी टेक्निकल वर्ड में अभी जो मैंने एंट्री डिले रिलायबिलिटी सारी चीज़ें जो बोली हैं, ये क्लासेस के अंदर आप लोगों को इनका मतलब होता है कि नेटवर्क के अंदर कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो ये फिक्सिंग होता है कि वहाँ पे चीज़ें जो टर्म्स यूज़ हो रही है तो उसका एक नाम होता है, ठीक है, ये चीज़ कैसे काम कर रही है, तो इसके पीछे जो टर्म्स यूज़ हो रही है उस टर्म का नाम क्या है। तो ये जो सर्विसेज मैंने लिखी है वो ये वाले प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम कनेक्ट कर पाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे काम करती हैं। और मान लो अब नेटवर्क के ऊपर जो मैं जो कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ आप लोगों से, तो उसके ऊपर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर धीरे धीरे हम क्लासेस के अंदर कवर करते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कि हम नेटवर्क के अंदर कैसी चीज़ें डिलीवर होती हैं, किस तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे के साथ। और आई नो दैट कि आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को नहीं समझ पाए होंगे, इसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या होता है कि भी डायरेक्ट आप एक चीज़ को समझ नहीं जाते कि नेटवर्क एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, ठीक है, कि नेटवर्क मेरे पास कैसे काम कर रहा है, कैसे पहुंच पा रहा है मेरे सिस्टम के ऊपर। तो यही पूरे टोटली बेस, और ये तो लास्ट एंडिंग है नेटवर्किंग का, कि इंटरनेट मेरे पास चल गया है तो वो चलाने से पहले, जो इंटरनेट मेरे पास चला है उससे पहले क्या क्या चीज़ें काम की, क्या क्या चीज़ों, कौन कौन सी सर्विसेज का यूज़ हुआ, देन मेरे पास इंटरनेट चला है, ठीक है। ओके यस सर। ओके हाँ, तो एक बार आप लोग गो थ्रू करना कि जो मैंने वीडियोस मैंने अभी जो आपको बताया है, एक बार उनको देखना, जिससे आप लोगों को आइडिया लगेगा कि नेटवर्क एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी ईच पर्सन का क्वेश्चन ये होता है कि इंटरनेट आया कहाँ से, एट द एंड मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई इंटरनेट कहाँ से आ रहा है ये बताओ, ठीक है। तो इंटरनेट कहीं से नहीं आता, मान लो मैं बात करूँ भाई तो जियो से ले रहा हूँ, अब मैं पूछूँ जियो कहाँ से ले रहा है, तो इसका मतलब जियो के पास कोई मशीन है, जो जियो जियो वो मशीन है जो इंटरनेट बनाती है, ऐसा कुछ नहीं है जो इंटरनेट बनता है, ये एक प्रोसेस है। इंटरनेट का हिंदी अर्थ होता है अंतरजाल, मतलब पूरी इन ISPs ने सभी को कनेक्ट कर रखा है, कम्युनिकेट कर रखा है सभी को, एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं नेटवर्क या इंटरनेट वर्किंग आप कह सकते हो। ओके हाँ, यस सर। तो और जो भी कुछ आप लोगों के मन में डाउट हो तो एक बार मेरे से पूछ लो यार, जो भी फर्दर आपकी क्वेरी हो रिगार्डिंग जो भी, तो एक बार मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 10 मिनट बची हैं, तो एक बार जो भी आप मेरे से डिस्कशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। हेलो, सर। जो भी आप लोग मेरे से पूछना चाहते हो, तो जो भी क्वेरी हो आप लोगों की जिस भी चीज़ को लेके, तो एक बार पूछ लो जो भी आप जानना चाहते हो, वरना फिर हम एंड करते हैं यही आज का सेशन। देखो, 1 घंटे के वेबिनार के अंदर चीज़ें, ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ आपको बता दूंगा, है ना, लेकिन मैं बस यही चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। एटलीस्ट एक क्वेश्चन मैं आपको सामने छोड़ जाऊँ कि नेटवर्क जो हम सोच रहे थे ऐसा नहीं चलता, कि भाई हमने जियो से सर्विस, उसके पीछे मान लो कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, क्वेश्चन मार्क, हम उस चीज़ के बारे में रिसर्च करें, कि मैंने गूगल के ऊपर लिखा कि भाई आप इस चीज़ के बारे में रिसर्च करो कि व्हाट इज़ गूगल, आपने सर्च किया गूगल एक प्लेटफॉर्म है, गूगल एक सर्च इंजन है, अब हाउ टू वर्क गूगल, मतलब गूगल हाउ टू वर्क गूगल प्लेटफॉर्म, है ना, हाउ टू वर्क गूगल प्लेटफॉर्म वर्क, मतलब मान लो मैंने सर्च करता हूँ व्हाट इज़ नेटवर्किंग या व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, तो ये प्रोसेस कैसे काम सर्च हुआ, मतलब कैसे चीज़ें यहाँ पे काम कर रही हैं, तो इसके पीछे का एल्गोरिथम, यहाँ पे नेटवर्क किस तरीके से काम करता है, नेटवर्क इंफ्रा यहाँ पे किस तरीके से काम में आता है, वो सारी चीज़ें आप एक बार खुद से एनालाइज करो, इन चीज़ों को समझो, ठीक है, और कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें कैसे काम करती हैं, वो सारी चीज़ें। हाँ, तो एक बार दिखा देता हूँ DHCP के डिवाइसेस के बारे में जो आप बात कर रहे हो। अभी देखो, एक एक वीडियो है मेरा, है ना, यूट्यूब के ऊपर, आप उसको देखना जो DHCP के ऊपर मैंने बना रखा है, ठीक है। तो ये वाला वीडियो एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, ये जो वीडियो है जो DHCP प्रैक्टिकल ऑन फिजिकल डिवाइसेस, ये जो डिवाइसेस आपको दिख रहे हैं, ये इनको मैंने DHCP सर्वर बनाया, देन मैं ये यूज़ कर रहा हूँ एज ए IP एड्रेस असाइन करवाने के लिए, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे मैंने वीडियो के अंदर अच्छे से बता रखा है कि एज ए
हम इनको DHCP सर्वर बना के किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और DHCP सर्वर की ओर से एड्रेसेस कैसे असाइन होंगे, तो पूरा डिटेल के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसके अंदर आप लोग देख के एक बार कवर करिएगा, ठीक है? एक बार आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ चीज़ें कैसे काम करती हैं। ओके हाँ ओके हाँ सर। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कभी किसी नेक्स्ट थैंक वेबिनार यू में। ओके गाइस, सर, थैंक यू सर, गुड डे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।